गीत नहीं, गजल नहीं, ना ही कोई गाने सुनाने आया हूँ। सूरज नहीं, चांद नहीं, ना ही तारों की बारात में आया हूँ। तो अब सोच रहे हो क्या बेवकूफ है, फिर क्यों आया है? तो बता देना चाहता हूँ, गीत नहीं, गजल नहीं, ना ही कोई गाने सुनाने आया हूँ। सूरज नहीं, चांद नहीं, ना ही तारों की बारात में आया हूँ। अरे ये तो सत्य है बुद्ध की रीति का, और ये जज्बा है भीम के मिशन का, जो उनके एहसानों को गिनाने आया हूँ, उनके एहसानों के गिनाने आया हूँ। भीमराव हमारे हैं, बहुजन के प्यारे हैं, हम राम चले उस ओर जहाँ भीम इशारे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। छोड़ के विद्यालय क्यों मंदिर जाते हो, अंधकार की भट्टी में क्यों खुद को जलाते हो, अंधकार की भट्टी में क्यों खुद को जलाते हो। बकरा बनाया मुस्लिम का और गाय को हिंदू बनाया, मालूम है? बकरा बनाया मुस्लिम का और गाय को हिंदू बनाया, ताजा ताजा खबर सुनो हाथी को दलित बताया, ताजा ताजा खबर सुनो हाथी बताया। तो जैसा कि आप परिचय में भाई ने बताया कि पेशे से पत्रकार हूँ, पत्रकार के साथ साथ बहुत कुछ भी हूँ, क्योंकि आपने कह दिया कि कम से कम है समय में अपनी बात को रखें। तो दरअसल मेरा जो मेन काम है, जो समाज में जो आयोजन होते हैं, नेतागण, सामाजिक लीडर, नेतृत्व करने वाले अपने विचारों को जो संदेश देते हैं समाज को, उन्हीं संदेशों को कम लाइनों में समाज तक पहुंचाने का काम मैं करता हूं। पत्रकार के साथ साथ मैं चूंकि गीतकार भी हूं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात को स्टार्ट करूंगा कि गीत नहीं, गजल नहीं, गीत नहीं, गजल नहीं, ना ही कोई गाने सुनाने आया हूं। गीत नहीं, गजल नहीं, ना ही कोई गाने सुनाने आया हूँ। सूरज नहीं, चांद नहीं, ना ही तारों की बारात में आया हूँ। तो अब सोच रहे हो क्या बेवकूफ है, फिर क्यों आया है? तो बता देना चाहता हूँ, गीत नहीं, गजल नहीं, ना ही तारों की बारात में आया हूँ। सूरज नहीं, चांद नहीं, ना ही तारों की बारात में आया हूँ। अरे ये तो सत्य है बुद्ध की रीति का, और ये जज्बा है भीम के मिशन का, जो उनके एहसानों को गिनाने आया हूँ, उनके एहसानों के गिनाने आया हूँ। सूरज को हम कभी छू नहीं सकते, छू सकते हैं? सूरज को हम कभी छू नहीं सकते, और ये हकीकत है कि तारों को हमें कभी गिन नहीं सकते। सूरज को हम कभी छू नहीं सकते, तारों को हम कभी गिन नहीं सकते। अरे किए कितने एहसान मेरे भीम ने, अरे किए कितने एहसान मेरे भीम ने, हम जन्म भले ही साथ दे लें, लेकिन उनके एहसानों को हम कभी गिना नहीं सकते, उनके एहसानों को हम कभी गिना नहीं सकते। लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ किया। चंद लाइनों से मैं शुरुआत करूंगा और कोशिश करूंगा कम से कम समय में अपनी बात को समाप्त करूंगा। चूंकि मैं गाता नहीं हूं, तो आवाज मेरी बिसुरी लग सकती है, आप बोल भी हो सकते हैं, लेकिन उसका भी हमारे पास समाधान है, उसको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल तुम शब्दों पर ध्यान देना, आवाज पे ध्यान देना। तो कहना है, जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें चलना सिखाया, होता है क्या जीवन बताया। जिसने चलना सिखाया, होता है क्या जीवन बताया। ये पहल, ये पहल, ये रैली, ये सभा, डॉक्टर प्रोफेसर हम बने सब यहाँ, बदौलत दीन के ही तो पाया, होता है क्या जीवन बताया। जिसने हमें चलना सिखाया, होता है क्या जीवन बताया।
सोच लो साथियों, सोचो दोस्तों, दुनिया में न होता मेरे भीम सा सूरज तो कैसा होता ये सवेरा, कैसा होता सवेरा माँ बहनों की लूट आबरू, मुस्कुराता कोई लुटेरा मेरे मन में बस यही ख्याल आया, होता है क्या जीवन बताया जिसने हमें चलना सिखाया, होता है क्या जीवन बताया। धन्यवाद आप सभी का। तो मैंने दो मिनट और लूंगा। तो ये मेरे जो सामने थे जो तमाम नेता जो अतिथि हमारे बोलते हैं उन्हें सबको मैं ताली को उसका काम तमाम गाने हैं मेरे यूट्यूब पे डले हुए हैं। मीना मोहन मोहर मेरी बाय का सिंगर है और गानों के बारे में कम से कम मिलियन में जाते हैं, आप चाहो तो अच्छी आवाज सुन सकते हैं। वो ये तो रही कोई, लेकिन बात ये है दो मिनट में बात करूंगा अपने मेन मुद्दे क्या है। जयंती हम मनाते हैं, तमाम आयोजन करते हैं, कई कई बार आप यहाँ से लौट के जाओगे तो तमाम लोग आपसे पूछेंगे कि क्या हो जाता है जयंती, जयंती क्या है, ये आपसे सवाल पूछेंगे क्या हो जाता है जयंती करने से। तो जो लोग मनवादी विचारधारा के लोग ऐसी बात करते हैं कि जय भीम जय भीम क्या लगा रखा है, उनके लिए मैंने जवाब लिखने की कोशिश की, अगर अच्छा लगे तो आप ही मेरा साथ देना। भीमराव हमारे हैं, बहुजन के प्यारे हैं, बहुजन के प्यारे कहना सही रहेगा, अब तो जनजन के प्यारे हैं क्योंकि सभी लोग सभी पॉलिटिक्स पार्टी उनका स्टेच्यू के बिना काम नहीं चल रहा। तो कहना चाहूंगा भीमराव हमारे हैं, जन जन के प्यारे हैं, हम राव चले उस ओर। बाबा साहब ने क्या राह दिखाई थी मालूम है आप सभी को? क्या राह दिखाई थी? नहीं पता, चलो बता देता हूँ। भीमराव हमारे हैं, बहुजन के प्यारे हैं, हम राव चले उस ओर जहाँ भीम इशारे हैं। जो बाबा साहब की बातों पर विचार नहीं करते, बस दो मिनट लूंगा ज्यादा नहीं, खाली तीन मिनट और प्रेस करूंगा, ठीक है बात पूरी हो। छोड़ के विद्यालय क्यों मंदिर जाते हो, छोड़ के विद्यालय क्यों मंदिर जाते हो, अंधकार की भट्टी में क्यों खुद को जलाते हो, अंधकार की भट्टी में क्यों खुद को जलाते हो। और मालूम है आप मंदिर जाते हो और क्या करते हैं जो मंदिरों के पुजारी हैं, सुनिएगा। छोड़ के विद्यालय क्यों मंदिर जाते हो, अंधकार की भट्टी में क्यों खुद को जलाते हो, दान दक्षिणा लेकर अपने बच्चों को पुजारी क्या करते हैं पढ़ने पुजारी, दान दक्षिणा लेकर वो विदेश पढ़ाते हैं, काजू पिस्ता और बादाम खिलाते हैं, जिन देवों को पूजे वो सब हत्यारे हैं, जिन देवों को पूजे। एक बात बताइएगा, अगर कोई भगवान है, भगवान तथागत बुद्ध है, उनके हाथ में कोई हथियार है? नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक बात किसी की बात है जिसके हाथ में हथियार है वो भगवान नहीं हथियारा है। तो कहना है जिन देवों को पूजे वो सब हत्यारे हैं, हम राह चले उस ओर जहाँ भीम इशारे हैं। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मानवता का उन्होंने कैसा हाल किया है, कैसा आपका भी ध्यान चाहूंगा मैम। मानवता का उन्होंने कैसा हाल किया है, लाल हरे और नीले रंग में बांट दिया है, लाल हरे
रंग में बांट दिया है, रंग के साथ साथ जानवरों ने। फकीर बनाया मुस्लिम का और गाय को हिंदू बनाया, मालूम है? फकीर बनाया मुस्लिम का और गाय को हिंदू बनाया। ताजा ताजा खबर सुनो, हाथी को दलित बताया। ताजा ताजा खबर सुनो, हाथी को दलित बताया। इसे धर्म बताकर क्यों मानव को लड़ाते हो, इसे धर्म बताकर क्यों मानव को लड़ाते हो। हम राह चले उस रोज जहां भीम इशारे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बस एक मिनट, जय भीम का जप जपने से बहुत हो गया। जय भीम, जय भीम, मैं भी जय भीम कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो जाएगा इससे? जय भीम का जप जपने से ना भीम का कर्ज चुकेगा, भीम ने राह दिखाई हमें उस पर चलना होगा। जय भीम का जप जपने से ना भीम का कर्ज चुकेगा, भीम ने राह दिखाई हमें उस पर चलना होगा। बुद्ध धम और संघ को मोहन तुम पहचानो, प्रतिज्ञा अपना कर जीवन को सफल बना लो। भारत के हर घर में पंचशील लहराए, भारत के हर घर में पंचशील लहराए। हम राह चले उस ओर जहां भीम इशारे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, समय का वार्ता सुनना बोलने के लिए मैं बहुत काफी था, हर कौन पे बोलने के लिए था, लेकिन इस बात को समाप्त करूंगा। और कुछ ज्यादा सुनना है? जनित आवाज नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जहाँ पर आपको खबर दिखाते हैं। आप में नया है, चैनल भी नया, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें आवाज में AWAZ लिखेंगे, एस लिखेंगे तो दूसरा आ जाएगा। अगर मेहरबानी होगी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी के लिए इतना। फिर कभी आगे मौका मिलेगा तो आप जरूर आएंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और जो कोई गलती हो गई हो, समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर, सर ने बहुत ही मधुर आवाज से अपनी बात रखी। अब कार्यक्रम को समापन की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि जो गेस्ट है हमारे उनको निकलना है। तो मैं रमेश मास्टर जी से निवेदन करूँगा।